क्वेश्चन 3 का 6 वाला पार्ट है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसको हल करना है। ठीक है, उसके लिए ये पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं। 12 को उधर ले जाएं, तो 12 3 36 एक्स स्क्वायर, 12 1 12 और इधर आएगा 11x। तरतीब लगा लें, 36x का स्क्वायर ये इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी, और -12 = 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट ए होता है, एक्स का कोफिशेंट बी होता है, और कांस्टेंट सी होता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेते हैं, एक्स बराबर -b + -√b² -4ac ओवर 2a। वैल्यूज़ मौजूद हैं सारी, इसमें दर्ज कर देंगे। माइनस बी है -11, प्लस माइनस बी की जगह -11 का स्क्वायर -4, ए की जगह 36 और सी की जगह -12 ओवर 2, ए की जगह आ गया 36। ठीक है, एक्स बराबर -11, 11 का स्क्वायर 121, -+ इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ गया 1728 ओवर 72। तो 11 + -, इन दोनों को ऐड कर लें तो ये आ गया 1849 ओवर 72। इसका मैं जजर अगर ले लूं तो ये आ गया 43। एक दफ़ा प्लस के साथ हल कर लेते हैं और एक दफ़ा माइनस के साथ। एक्स बराबर 11 + 43 ओवर 72 और एक्स बराबर 11 - 43 ओवर 72, इनको ऐड कर लें 54/72। ये माइनस हो रहे हैं, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3। ठीक है, सेम टेबल से कटिंग कर सकते हैं, 2 3 2 2 4 2 7 14, 2 3 6 2 6 12, बस 3 9 27, 3 1 3 3 2 6, 3 3 9 3 4 12, तो ये आ गया 3/4। इनको भी काट लें, 2 1 2 2 6 12, 2 3 6 2 4 12, 2 8 16, 2 1 2 2 7 14। तो इस तरह हमने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से हल कर लिया। पहले नीचे से 12 ख़त्म करना है, उसके लिए इसको इधर जाके दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, ये इधर ले आया, ये आगे स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट ए होता है, एक्स का कोफिशेंट बी होता है, और कांस्टेंट सी होता है। ये फार्मूला इसमें दर्ज किया और हल कर लिया। ओके।